नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। विश्व एंटीबायोटिक अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन, एंटीबायोटिक को लेकर जागरूकता फैलाना लक्ष्य। मंदसौर जिले में हो रहा अवैध बोरवेल खनन, कलेक्टर ने कार्यवाही के दिए सख्त निर्देश। आपसी विवाद के चलते पति ने ली पत्नी की जान, पति ने भी फांसी के फंदे को लगाया गले। क्या इंदौर का 7-स्टार रैंकिंग का सपना पूरा नहीं होगा? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का क्यों नहीं हो रहा पालन? एंटीबायोटिक का तय मापदंड के अनुरूप उपयोग ना होने को लेकर शासन द्वारा विश्व एंटीबायोटिक अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए एनएचएम के पंकज शुक्ला ने बताया कि 2011 के बाद से नई एंटीबायोटिक पर काम होना बंद हो गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंटीवायरल, एंटी कैंसर और एंटी डायबिटीज, एंटी हाइपरटेंशन पर पैसा खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि हम एक विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं जहां रोगों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, लेकिन इस पर 2011 के बाद कोई खोज ना होना चिंता का विषय है। हमने पुरानी एंटीबायोटिक का जरूरत से ज्यादा उपयोग किया है, जिससे हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया उसके आदि हो चुके हैं और अब वह उन पर असर नहीं करती, इसलिए हमें नई एंटीबायोटिक की जरूरत है। हमारे विभाग के प्रयास से और सभी लोगों की कृपा से मध्य प्रदेश में 2 या 3 शहरों को छोड़ के बाकी सब शहरों में करीब करीब खत्म होने को आ रहा है। इन 2-3 शहरों में भी हमारा बहुत तेजी से काम चल रहा है, वह भी कम आ जाएगा। लेकिन आपका कहना सही है, जैसा कि दिल्ली में सेकंड पीक आई है और जो विदेशों में भी कई यूरोप के देशों में ये सेकंड पीक आई है, इसकी हमें आवश्यकता को देखते हुए हमने भी हमारी जो तैयारी थी, पहले हमने जो एक बहुत लंबी पीक जिसमें जेलों में 100-200 मरीज प्रतिदिन आ रहे थे, उसको झेल लिया, उसी की तैयारी को अभी हमने बंद नहीं किया है। हमारे पास वही मैन पावर हमने अपॉइंट किया हुआ है, उसी तैयारी से हमारी पूरी तैयारी है कि अगर आगे वाले दिनों में भी अगर कोई, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हम कैसे उसको ट्रीट कर पाएंगे, इसकी हमारी पूरी तैयारी है। मंदसौर जिले में अवैध बोरवेल खनन होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बोरवेल की अभी तक परमिशन नहीं दी गई है और बारिश भी कम हुई है। इतना ही नहीं, जिले के कई इलाके भी रेड जोन में आते हैं, जिसके चलते कलेक्टर मनोज पुष्प ने कार्यवाही के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहा है जो शासन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं और अवैध बोरवेल खनन कर रहे हैं। कोई परमिशन नहीं है क्योंकि बोरिंग पर अभी रोक लगाई हुई है, बारिश भी कम हुई है और ज़िले के बहुत सारे इलाके रेड जोन में आते हैं, तो अगर कोई अवैध तरीके से इस तरह की बोरिंग कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को भी दिए गए हैं और पुलिस अधिकारियों को भी दिए गए हैं। इसको फिर से भी उनको ताकीद किया जाता है ताकि इसमें सख्ती से कार्रवाई हो। सर, ये बताया जाता है कि नियम ये कहते हैं कि बोरिंग मशीन को डीजल भी पेट्रोल पंप नहीं दे सकते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? पेट्रोल पंप के लोगों को भी इस बात के लिए ताकीद की जाएगी और डीएसओ को भी हम बताएंगे कि इस तरह की कार्रवाई हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, ये निर्देशित किया गया है और जन संरक्षण अधिनियम और 144 में भी आदेश है, उसके संबंध में जब भी शिकायत मिलेगी और हम उसके विरुद्ध। धार जिले के जीराबाद के देवका फलिया में पति पत्नी का आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि पति राधिया ने पहले तो अपनी पत्नी रायली बाई के साथ मारपीट की और उसे जान से मार दिया। इसके बाद खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। मृतक ने अपने मकान के दरवाजे को भी अंदर से लॉक किया हुआ था। हालांकि इस मामले की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। इसके बाद सूचना मिलते ही गंदवानी टीआई जयराम सोलंकी और जीराबाद चौकी प्रभारी रमेश डामोर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर दोनों शवों को गंदवानी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गुंडों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और हिस्ट्री शीटर साजी चंदनवाला के रानीपुरा स्थित 2 मकानों को ध्वस्त किया। लेकिन श्रीनगर एक्सटेंशन में 10,000 वर्ग फीट पर अब भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।
हालांकि 15 महीने पहले की सरकार ने उसके इस ठिकाने पर कार्यवाही जरूर की थी, लेकिन साजी चंदनवाला ने उसी कबाड़ और मलबे के जरिए मुख्य रोड पर आज भी अपना कब्जा स्थापित किया हुआ है। ऐसे में कई अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं और यह भी सवाल बनता है कि 7 स्टार रैंकिंग का सपना देखने वाला इंदौर नगर निगम कहीं कागजों तक ही सीमित ना रह जाए। क्या आने वाले समय में जो कचरे का पूरा प्रोसेसिंग का सिस्टम है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होगा 3R पे, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, जिसमें हमारे पास जितना भी कचरा निकलता है वो चाहे किसी भी प्रकार का वेस्ट हो उसको किस तरीके से हम कम कर सकें, किस तरीके से रीयूज़ कर सकें और कितनी रिसाइकिलिंग कर सकें, इन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ये आधारित है। इंदौर नगर निगम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है। रीयूज़ में हम लोगों की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे CND वेस्ट ही है, उसको हम लोग रीयूज़ करके पेपर ब्लॉक, ड्रेनेज कवर चैम्बर, ईंटे, इनमें कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है जैसे वेस्ट में क्रिएट करके एक 4R गार्डन भी बनाया गया है। इसी तरीके से रिसाइकिलिंग कई सारे वेस्ट की हो रही है, जिसमें जू और बाकी सभी जगह से निकलने वाले कचरे को भी हम लोग कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ इंदौर नगर निगम ने इसको डिसेंट्रलाइज करते हुए वार्ड तक इस कॉन्सेप्ट को लेके गए हैं और जीरो वेस्ट वार्ड इसी कॉन्सेप्ट का आगे एक तैयारी है, जिसमें हम लोग जहाँ से कचरा निकलता है वहीं 100% प्रोसेस हो जाए, कहीं भी उसका ट्रांसपोर्टेशन ना हो, इस विषय पे काम कर रहे हैं। ये लगभग कंप्लीशन के फेज़ में है और सभी जगह ये एस्टैब्लिश हो गया है। मैचुरेशन के लिए हम लोगों ने 10-12 दिन का समय लिया हुआ है, तो आने वाले 10 से 12 दिनों में हमारे 2 वार्ड ऐसे होंगे जो जीरो वेस्ट वार्ड डिक्लेयर होंगे। जो जीरो वेस्ट वार्ड बेसिकली हम सभी लोगों को सिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को अपना कचरे का मैनेजमेंट करना चाहिए और जो अपेक्षा है आने वाले समय में कि पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका सस्टेनेबल सोल्यूशन हो, तो ये उस। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।